अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश इद्रीस है और मैं इवान एस्थेटिक सेंटर में एज ए क्लिनिकल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट काम कर रही हूँ और आप देख रहे हैं तबीब डॉट पी के। जैसे कि हमने सीरीज स्टार्ट की थी तो उसका हम दोबारा से आगाज़ करने लगे हैं टॉप 5 विद डॉक्टर महविश इद्रीस। तो आज की इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे वो है विटामिन सी, क्या रोल है उसका हमारी बॉडी में, कौन कौन सी डेफिशिएंसीज को हम कवर कर सकते हैं और किस किस तरह से वो हमारी बॉडी में हमें मदद देता है उसके हम बारे में बात करेंगे। विटामिन सी का क्या रोल है हमारी बॉडी में, वो किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर काम करती है, हमें किस किस तरह से फ़ायदे पहुंचाती है और कौन कौन सी बीमारियों से हमें बचाती है। सबसे पहले तो अगर विटामिन सी की बात करूं तो वो हमारा रोल इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाना है। हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत किस तरह से बनती है, जैसे हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते जाते हैं लेकिन वो हमारी बॉडी से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, तो विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है। जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को निकालते रहते हैं और हमारी बॉडी को साफ और शफाफ कर देते हैं। जितने फ्री रेडिकल्स निकलते जाएंगे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से विटामिन सी हमारे बहुत ज़्यादा फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में पाया जाता है, तो उतना हम इनटेक अच्छा करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी। दूसरी रोल की अगर मैं बात करूँ तो हमें ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देता है। विटामिन सी का एक रोल ये भी है कि हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर तेज़ी से बढ़ता है या बढ़ता रहता है उनको चाहिए कि वो दिन में एक ग्लास पानी में एक लीमू निचोड़ के पी लें, और अगर उनको गले का मसला नहीं है या गला ख़राब नहीं होता तो वो दिन में दो दफ़ा भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी अगर मैं बात करूं तो वो स्किन की बात है जो हर घर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर कोई स्किन के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसको ठीक करना चाहता है, तो उसमें विटामिन सी का बहुत ज़्यादा रोल है। वो इस तरह से, क्योंकि एक तो एंटीऑक्सीडेंट है, अगर आप वो खाते हैं तो आपकी बॉडी से जितने भी टॉक्सन्स हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, वो निकलते जाते हैं। और साथ साथ विटामिन सी का एक रोल ये भी है कि वो कोलेजन की प्रोडक्शन करता है। वो लोग जिन लोगों को बहुत ज़्यादा रिंकल्स होते हैं या उनका कोलेजन बहुत कम हो गया है तो वो विटामिन सी कोलेजन प्रोडक्शन भी करता है, जो हमारी स्किन का बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है। चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट रोल की अगर मैं बात करूं तो वो आयरन की एब्जॉर्प्शन है। हम आयरन तो ले रहे होते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा। आयरन को विटामिन सी की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है ताकि वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। बहुत से लोग हैं जो आयरन तो ले रहे होते हैं या आयरन कंटेनिंग फूड्स भी ले रहे होते हैं, तो उनको चाहिए कि साथ में ऐसे फूड कॉम्बिनेशन रखें जिनमें उन्हें विटामिन सी मिले। फॉर एग्जांपल अगर मैं नाश्ते की बात करती हूँ तो हम अंडा ले रहे होते हैं, अंडे की जर्दी में हमें अच्छा आयरन मिल रहा होता है लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम साथ चाय लेना शुरू कर देते हैं। चाय में कैफ़ीन होती है, कैफ़ीन आयरन को बाइंड कर देती है, लेकिन अगर हम कॉम्बिनेशन ऐसे बनाएं कि अंडे के साथ हम ऑरेंज जूस का इस्तेमाल करें तो वो जो अंडे के आयरन है वो हमें विटामिन सी जो ऑरेंज में पाया जाता है उसकी वजह से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा गलती हम तभी करते हैं जब हम कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं बना रहे होते, बहुत गलत कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डेफिशेंसीज होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो टिश्यू रिपेयरिंग कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कट लग गया, कोई सर्जरी हो गई या कोई वूंड हो गया, तो वूंड हीलिंग में विटामिन सी का बहुत ज़्यादा रोल है क्योंकि विटामिन सी हमारे टिश्यू रिपेयरिंग की तरफ और ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा होता है। तो जिन लोगों को बर्न के इश्यूज होते हैं या उनकी सर्जरी हुई हुई होती है या कोई वूंड होता है तो वो कोशिश करें कि विटामिन सी का इंटेक अच्छा करें। एक तो वूंड रिपेयरिंग भी होगी, टिश्यू रिपेयरिंग भी होगी, साथ में एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा, आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी और जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं वो आपकी बॉडी से निकल जाएंगे। जितनी इम्यूनिटी अच्छी होगी उतनी जल्दी आपकी बॉडी में रिकवरी अच्छी हो जाएगी। थोड़े से मैं आपको बता दूं कि किन किन चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है। लेमन में पाया जाता है, ऑरेंज में पाया जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत अच्छा विटामिन सी पाया जाता है। आप फ्रूट्स एंड जूसेस का अगर इस्तेमाल करें उसमें विटामिन सी बहुत अच्छा पाया जाता है, जिसमें अगर गावा की बात करूँ, अमरूद बहुत अच्छा सोर्स है, ऑरेंज बहुत अच्छा सोर्स है, पोमीग्रेनेट बहुत अच्छा सोर्स है, एप्पल में बहुत अच्छा पाया जाता है। तो और जो लोग फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की कंजम्पशन नहीं कर सकते तो वो कोशिश करें कोई ऐसा सप्लीमेंट इस्तेमाल करें जिसमें आपको विटामिन सी डेली का बहुत अच्छा मिले। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट की वीडियो में हम दोबारा आपके साथ मिलेंगे और किसी एक न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉप 5 विद डॉक्टर महविश इद्रीस।